श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको किस्मत चमकाने वाला एक विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको मंगलवार के दिन जरूर करना है। यह सावन का आखिरी मंगलवार है, इसलिए इस मौके को जाने ना दें। इस उपाय को करने से आपका भाग्य जितना मर्जी विपरीत चल रहा हो, गुरुदेव जी बताते हैं जो भी इंसान इस उपाय को लगातार करता रहता है उसके जीवन की भाग्य रेखा बदल जाती है। जो वह जीवन में चाहता है, जो भी उसकी कामना है, वह पूरी होती है। हर क्षेत्र में उसे सफलता की प्राप्ति होती है। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आखिरकार शिवालय जाकर किस प्रकार से आपने यह उपाय करना है ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिनको इस वीडियो की जरूरत होगी वहाँ तक जरूर शेयर भी कीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो जल्दी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक बेलपत्र की, और साथ में आपको लेना है थोड़ा सा शहद और एक पीला चंदन। केवल इन वस्तुओं को लेकर आपने पहुंच जाना है शिवालय। वहां पर आपने अपने मन की बात कहते हुए सबसे पहले यह जो बेलपत्र लिया है, इसकी बीच वाली पत्ती पर आपने यह जो पीले चंदन की केवल एक बिंदी लगा देनी है, और साथ में यह जो शहद है, ये जो दोनों पत्तियां था, तीनों पत्तियां जहां पर मिल रही हैं जिस प्रकार से हम वीडियो में दिखा रहे हैं, साइड वाली दो पत्तियां और बीच वाली एक पत्ती का जहां पर मिलन होगा वहां पर आपने एक बूंद शहद लगा देनी है। केवल ये करके आपने यह जो पत्ती है महादेव पर समर्पित कर देनी है, चिपका देनी है। इसकी डंडी का भाग अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होगा शिव जी की तरफ। कोशिश करें जब आप यह उपाय करें तब आपका मुख अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए। आपने दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर यह उपाय करना है। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और शिव नमस्तुभ्यम की हाजिर जरूर लगाएं।